अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे ये समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया हैं, जो मैनपुरी में किशनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शौचालयों और आवासों में हुए घोटालों और मानक के अनुरूप हुए कामों की शिकायत इन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी और सीडीओ से कई बार की है, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर इन्होंने धरने पर बैठने का मन बनाया है। वर्ष 6 जनवरी वर्ष 2015 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ गरीबों के लिए आवास दिए थे, लगभग 25 आवास, और उसको काम करने की जिम्मेदारी दे दी थी ग्राम पंचायत को, पीडी साहब और वीडियो को मॉनिटरिंग के लिए कहा था। लेकिन आज इतना समय गुजरने के बाद भी आप देख रहे हो क्या हाल है, और जब ये गरीब अपने हक की मांग करते हैं तो इन्हें डराया जा रहा है, इन्हें धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है इनको? यहाँ ग्राम प्रधान धमका रहा है इनको, इनको लालच दे रहा है कि तुमको पट्टे दे देंगे। कहाँ पट्टे दे देंगे यहाँ पे, यहाँ तो वन विभाग में पश्चिम बिहार में वैसी जमीन शॉर्ट हो रही है, लोगों की जा रही है जमीनें। और यही नहीं, जो अभी नए आवास मिले हैं उन नए आवासों में भी लगभग 18 लोग ऐसे चिन्हित हमने किए हैं जो कि कम है और ज़्यादा होंगे, जिनके जिनका पैसा निकाल करके और उन्होंने अपने खर्च कर लिया, और लाभार्थियों को ये भी नहीं मालूम है कि मुझे पैसा मिला या मेरा आवास स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ। 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री ने इस इलाके में गरीबों को आवास दिए थे जो अभी तक सही से बन नहीं सके हैं, और जो बन भी गए हैं उनमें घोटाला हुआ है, इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। खुली लूट हुई है, पूरा पैसा गरीबों को खा लिया गया है, और मैं केवल आज गरीबों के साथ इसलिए हूँ, और मेरी मांग है ये कि इसकी सत्यता की जांच हो, और जिसने गलत किया उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जो पैसा निकाला उसकी रिकवरी करके किसी दूसरे के द्वारा इस कार्य को पूर्ण करा जाए। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना पर अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर जांच कराने की बात कह रहे हैं। वो विधायक ये भी सहयोग दें, हम लोग भी साथ मिल करके इसमें जहाँ भी अनियमितता होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेन चीज ये है कि इसका जो अधूरा काम है इसे हम पूरा करवाएंगे। पीडी साहब, कार्रवाई कब तक की जाएगी? जांच होती है लेकिन कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। जांच कार्रवाई उसकी जो समय सीमा है उसमें हम करवाएंगे। भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, इस बात का नारा देकर सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन ये नारा नारों तक सीमित होकर रह गया, क्योंकि भय और भ्रष्टाचार लगातार बरकरार है, जिस पर सरकार का असर होता नहीं दिख रहा है। न्यूज डेस्क, न्यूज 75.in।